वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम असलम व बरकातहू वरक हद्र जी मैं मैसूर इंडिया से आपका मुरीद आपका गुलाम आप काशिक इमरान खान मुरीद बात कर रहा हूँ अल्लाह तला आपकी खिदमत को बेतिया कबूल फरमाए हदरत जी मेरा सवाल ये है कि अक्सर लोगों का यह कहना है कि अगर अल्लाह से मांगना है तो सिर्फ फनाफी का मुकाम मांगना है फनाफी शेख का मुकाम और फनाफी रसूल का मकाम ये तो शिरक है बहुत बड़ा शिरक है तो हजरत जी क्या ये, ये क्या इस तरह ये लोग जो कहते हैं क्या ये सही है इस पर थोड़ी वजात फरमाते हैं जी मुकाम सलात मुकाम सलातुल्लाह अच्छा। का सलात फना 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 अच्छा अजब है जी, जी।, जी। <laughs> माशा इमरान खान मुनीर इंडिया से कॉल कर रहे हैं अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए और बाकी सवाल आपका बड़ा खूबसूरत है और जो लोग ये बात करते हैं वो नादानी है उनकी लामी है और जो है नावाकफियत है जो इस तरह की बातें करते हैं कि अल्लाह से मांगना है तो बस डायरेक्ट अल्लाह से मांगें उससे कौन मना कर रहा है अल्लाह से डायरेक्ट मांगे अल्लाह से डायरेक्ट ही मांगा जाता है बाकी ये कि अल्लाह से अगर इतना ही डायरेक्ट आपको होना तो फिर अल्लाह से मांगने की भी ज़रूरत क्या है अल्लाह तो दिलों के हाल जानते फिर आप अपनी ज़बान भी क्यों हिलाते हैं ज़बान भी ना हिलाएं हाथ भी ना उठाएँ अल्लाह आपके दिल की चाहत और ख्वाहिश को जानता है मांगे ही ना बस आप मांगते क्यों हैं फिर यह कि अपनी दो की रोज़ी रोटी के लिए दुकान दफ्तर क्यों खोलते हैं ना खोलें अल्लाह घर में भेज देगा आप दुकान खोल के दुकान से क्यों रोज़ी हासिल करते हैं किसी बॉस की मुलाजमत करके उस बॉस से रोज़ी हासिल क्यों करते हैं फिर तो सारे धंधे छोड़ दें आप तो ज़बान से भी ना मांगें बल्कि दिल में भी ख़्याल ना लाएं क्योंकि अल्लाह तबारक वाल को तो पता है कि आपकी क्या ज़रूरियात हैं अल्लाह ख़ुद पूरी करेंगे तो फिर बात तो बहुत आगे चली जाएगी इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह से मांगना और फिर मांगने के जो मरातब हैं उनको अवेल करना यह तो अल्लाह तबारक वताल की अपनी शान है और अल्लाह की जितनी सिफात है दुनिया के अंदर वो इसबाब के तहत ज़ाहिर होती हैं क्योंकि अल्लाह दुनिया के अंदर अपनी सिफात का इज़ार असाब के, के तहत करते हैं आखिरत में बिलासवाबाब करेंगे दुनिया में इसबाब के तहत करते हैं यानी बच्चा मर्द औरत के मिलाप के बगैर पैदा नहीं हो सकता आम कायदा यही है मर्द दौ। औरत का मिलाप होगा तो बच्चा पैदा होगा अब आप कहें कि यार मिलाप ज़रूरी है अल्लाह ऐसे ही नहीं दे सकता हाँ दे सकता अल्लाह ने दिया भी हजरत ईशा सलात को पैदा नहीं किया बगैर जो है जो है वो माँ के जो है वो पैदा नहीं किया आदम सलाम को ठीक है ना और यही अम्मा हवा को अम्मा हवा को पैदा किया बगैर माँ के पैदा किया हदीशा को बगैर बाप के पैदा किया और आदम को बगैर माँ बाप के पैदा किया एक, एक मिसाल अल्लाह ने अपनी कुदरत की छोड़ दी कि मैं कर ये भी सकता हूँ लेकिन जो कायदा आम कानून ये दुनिया का के असबाब के तहत मेरी सिफा ज़ाहिर होंगी आप दुकान खोल के बैठेंगे तो वो जो रोजी मुकद्दर वो मैं भेज दूंगा आप मुलाजमत भी जाएंगे जो मुकद्दर दे दूंगा तो गोया कि असवाब होते हैं और वो मरतबे होते हैं वो सारी आपको अवेल करने होते हैं बिल्कुल इसी तरीके से आप जो विलायत मार्फत के रास्ते में जब आते हैं तो ये आप जो पहले अपने पिर व जो आपका शेख है वो उंगली पकड़ के आपको चलना सिखाता है जैसे दुनिया के अंदर भी छोटा बच्चा उसकी उंगली पकड़ के बाप चलाता है सिखाता है उसको बेटा यूं चलना है यूँ सीढ़ियाँ चढ़ना है यूँ सीढ़ियों से उतरना है तो आप ये क्या यार ये क्या जरूरत है अब्बा की ये रब्बा खुद नहीं सिखा सकते रब्बा ने जब जिंदा पैदा कर दिया रब्बा खुद ही इसको चलना भी सिखा दे तो मतलब ये तो नॉन बात है तो अब्बा जो है वो उस अबाब के दर्ज उसको जो है ले कर चलना सिखाता है लेकिन अल्लाह तबारक मत अपनी राहमत से वो उस बच्चे के ऊपर अपनी नजर करम करते हैं और वो चलने लगता है तो इसी तरीके सारे मराती वे करता है बिल्कुल इसी तरीके विलात व मार्फ़त में पीरो मुर्शिद जो है जिस पे फनाफी शेख जिसको कहते हैं अपने पीरो मुर्शिद के साथ जो है वो उंगली पकड़ के वो मुरीद चलता है सलूक के रास्ते पर वो मनाजिर तय करता है सलीका सीखता है अब आगे चलते चलते फनाफिर रसूल के मुक़ाम पर पहुँचता है क्योंकि रसुल्लम का उसके बाद मुकाम रसूल वसलम की सुन्नत की इतबा करता है उनके साथ अपनी मिजाज की तबीयत और मिजाज की मुनासबत पैदा करता है और उनकी अदाओं के अंदर मर मिटने का जज्बा पैदा करता है तो गोया के फ़ना फिर रसूल के मुक़ाम को पहुँचता है उसके बाद फ़ना फिल्ला फिर अल्लाह का मुकाम है अगली सीढ़ी जो फ़ना फिल्ला तबारक व ताली की जात में फना हो जाता है क्योंकि पहले दो दर्जे जो शेख का और नबी का ये दोनों दर्जे सालिक के लिए गोया की एक मंजिलें हैं और एक असल मंजिल ऊपर अल्लाह तबारक व ताली क्योंकि नबी पर भी जो ईमान ला रहा है या नबी का भी दामन जो थाम रहा है वो किस लिए वो तबारक वाले तक तो पहुँचने के लिए लाते जिनको नबी मुयसर होता है अपने जमाने में वो नबी का दामन थाम के पहुँचते हैं नबूबत खत्म हो गई खत्म नबूबत की वजह से अब तो मार्फत है अब वली का दामन पकड़ के पहुंचता है इसी के को सरातमस्तकीम तो ए अल्लाह में सिरात मुस्तकीम की हिदायत फरमा सरातल जीनाम रास्ता उन लोगों का कि जिन लोगों पर आपका इनाम हुआ है अब वह इनाम वाले कौन है अल्लाह ने दूसरे मुक़ाम पर फरमा दिया उलायकिन आनाम के वो लोग जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है वो ये है मिन नबीना व सिद्दीक़ी व शहरा व सालहीन ये चार तरह के लोग हैं कि जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है लिहाजा जिसको जिसका ज़माना मिले उसका दामन थाम ले जब वो उसका दामन थामप के फ़नाफी सदीक़ी हो जाएगा वो आगे अल्लाह तबारक वतालत को पहुँचाएगा इसे कुरान में दूसरे मुकाम पर फरमाए या मान वालो इतकुल्ला अल्लाह से डरते रहो इख्तियार करो वकूनू मा सादिकीन सच्चों के साथ जुड़ जाओ अब सच्चों से जुड़ने की का हुक्म क्यों दिया है यूं क्यों नहीं कहा मेरे साथ जुड़ जाओ अल्लाह ने यूं क्यों नहीं कहा कि तकवा इख्तियार करो है मा सादिकीन की बात के बजाय कहते तो, कून माई मेरे साथ जुड़ जाओ अल्लाह ने यह क्यों नहीं कहा इंसानों के साथ जुड़ने का क्यों हुक्म दिया मानवा के असबाब के दर्जे में इंसानों से जुड़ना आपने उन इंसानों से जुड़कर आप अल्लाह तक पहुंचेंगे कि ये मशाक सिलसिला ये सीढ़ियाँ हैं इस सीढ़ी पर चढ़कर आप छत पर पहुंचना है लिहाजा सीढ़ी की भी कदर करो जो सीढ़ी की कदर करता है उसकी हिफाजत करता है वो छत पर कल को पहुंच जाता है इसलिए ये लोगों की नादानी है जो कहते हैं और ये डायरेक्ट अल्लाह से मांगो तो डायरेक्ट तो फिर अल्लाह से मांगने की भी जरूरत नहीं है अल्लाह आलिम गैबी व शहादा है अल्लाह खुद ही देगा फिर मांगते क्यों हो ठीक है इसलिए ये कहना गलत है ये मराती में और चढ़ने की वह फनाफिल फ़नाफ शेख फनाफिर रसूल और फनाफ के मुक़ाम को पहुँचता है